नमस्कार, लोकमत डॉट कॉम मध्ये आपलं स्वागत आहे. मी कुणाल गवाणकर. आता सध्या आपण आहोत डिंडोशी डेपो मध्ये. काही दिवसांपूर्वी इथे म्हणजे बऱ्याच लोकांना एक महिला ड्रायव्हर, BST ची महिला ड्रायव्हर, म्हणजे BST बस चालवताना पहिली महिला ड्रायव्हर दिसत होती. आणि मग चर्चा सुरू झाली की बेस्टमध्ये पहिली महिला ड्रायव्हर दिसणार का, ती आपली बस चालवणार का, मुंबईच्या रस्त्यांवरती आपल्याला पहिली बेस्टमधली महिला ड्रायव्हर पाहायला मिळणार का, तशा बऱ्याच चर्चा सुरू झाल्या. तर ती महिला ड्रायव्हर आज आपल्यासोबत आहे आणि अनेकांना प्रतीक्षा होती की ती नेमकी कधी दिसणार आहे. तर ती प्रतीक्षा संपलेली आहे, कारण प्रतीक्षा आज आपल्यासोबत आहे. आपण प्रतीक्षाची गप्पा मारणार आहोत. प्रतीक्षा एक्झॅक्टली क्या है आप? बहुत टाइम से लोगों को दिख रही थी बस चलाते हुए, बहुत चर्चे हुए. एक्झॅक्टली वो हॉक कौन है, तो आप मतलब एक्झॅक्टली क्या था? सो मे को हमेशा से ही बस ट्रक सब गाड़ियाँ चलाने का बहुत मतलब था पहले से ही. जैसे मैंने पहले बाइक से स्टार्ट किया, फिर मैंने कार्स चलाया, मैंने रेसिंग भी किया हुआ है बाइक में और कार में. फिर जब मुझे ट्रक और बाइक ट्रक भी चलाना था, मतलब ट्रक या बस कुछ भी, तो मैं 3 साल से ट्राई कर रही थी कि कोई ट्रेनिंग स्कूल मिले और मुझे ट्रेन करे. तो 3 इयर्स से मैं ट्राई कर रही थी और फिर मैं सब जगह कॉल लगा रही थी कि मेरे को ट्रेनिंग दो, बट सब लोग मना कर देते थे, बोलते नहीं आप लड़की हो, आपको हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते, लड़कियाँ बस या ट्रक नहीं चला सकती. फिर फाइनली 3 साल के बाद मुझे लास्ट मंथ मई में ये BST ट्रेनिंग स्कूल का के बारे में पता चला. मैं यहाँ पर आई, मैंने एडमिशन लिया और फिर मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ. पर सबको ये सवाल है कि इसका प्रतीक्षा का ट्रेनिंग ख़त्म हुआ है क्या और पहली फीमेल बस ड्राइवर बेस्ट बस में हमको दिखाई देने वाली है क्या, तो हम उसको पूछते हैं. आप बस चलाने मतलब एज अ जॉब नहीं, बट हाँ अगर मेरे को कोई प्राइवेट बस या कुछ मिलेगा चलाने के लिए तो मैं चला लूँगी. और हाँ, मेरा ट्रेनिंग भी हो चुका है और मेरा लाइसेंस भी आ चुका है. तो हम मोस्टली आप नहीं देखेंगे BST बस? हाँ, मतलब ट्रेनिंग वाला बस हो चुका है मेरा, 30 डेज का जो ट्रेनिंग था वो हो चुका है. और अभी मैं अपने दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाली हूँ. तो कौन सा एग्जाम का? MPSC ऑफिसर का. आपको RT ऑफिसर बनना है ऐसा सुना था, तो ये क्या ये सच है? हाँ, मेरे को RT ऑफिसर बनना है, इसलिए मेरे को MPSC एग्जाम्स देना है, अपियर होना है, तो उसी की प्रिपरेशन अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. मैकेनिक इंजीनियरिंग आपने किया है, अभी आप बेस्ट सीखो, तो एग्जैक्टली ये आप ये जो रास्ता है आपने पकड़ के चल रहे हो, आप बेस्ट का रास्ता, ये कहाँ जाने वाला है, डेस्टिनेशन क्या है आपका? डेस्टिनेशन मतलब वही, मुझे RTO का एग्ज़ाम देना था, तो उसके लिए हैवी व्हीकल लाइसेंस कंपलसरी था, सो इसलिए मैंने ट्रेनिंग लिया और सीखा. ट्रक का नहीं मिला इसलिए आपने फिर हैवी व्हीकल में बस? बस और ट्रक एक ही होता है चलाने के लिए, हैवी व्हीकल के अंडर ही आता है बस एंड ट्रक. सो इसके लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब BST वाले लोग ने मुझे एक्सेप्ट किया एंड दे ट्रेन मी, बट ट्रक वाले लोग ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था. बोलते कि नहीं आप लड़की हो, मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ. काफ़ी ट्रेनिंग स्कूल वालों ने मना कर दिया था. मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग स्कूल में ट्राई किया था, 8 से 10 ट्रेनिंग स्कूल ऑल ओवर मुंबई. फिर मैं मुंबई के बाहर भी कोशिश की, जैसे कल्याण एंड अंबरनाथ, कि यहाँ पे नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट मैं वहाँ जाऊँ. बट वहाँ पे भी वो लोग वही बोलते थे कि नहीं आप लड़की हो, आपको हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते, सीधा मुंह पे मना कर. आप एग्जैक्टली यहाँ पे आपका ट्रेनिंग सेंटर जो हम गए थे यहाँ पे हुआ था. हाँ एक्चुअली, तो आप यहाँ से पहले गए और उन्होंने क्या रिएक्शन था जब स्टार्टिंग में जो मैंने बाहर जब पूछा कि मुझे ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो इवन दे ही वॉज लाइक कि नहीं आप लड़की हो, हम लड़कियों को नहीं देते. बट जब मैं अंदर गई, जो मेन ऑफिसर्स है जहाँ पे जो लोग एक्चुअल में सब लेते हैं, तो उन लोग का बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था. दे वर शॉक बट दे सपोर्टेड मी, मतलब उन लोगों ने बोला नहीं हम आपको देंगे, ऐसा मुंह पे मना नहीं किया जैसे पहले वाले लोगों ने किया था. हाँ, प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर जो लोग ने मना किया था वैसा नहीं, ये लोग ने मेरे को पॉजिटिवली रिएक्शन दिया और फिर मेरे को दिया भी. मतलब अभी मोस्टली तो आप जनरली बेस्ट बस नहीं चलाते हो देखोगी, बट आप यहाँ पे फर्स्ट है जिन्होंने पूरा ट्रेनिंग कम्प्लीट कर चुका है, सो वो फीलिंग कैसा था? और उन्होंने ये आपको जब बात बताई कि यू आर द फर्स्ट, क्या रिएक्शन था?
रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ, बट उन्होंने बोला कि आपको देख के और फीमेल बस ड्राइवर्स मोटिवेट होगी और आएगी, तो वो रिएक्शन मुझे अच्छा लगा कि मेरे वजह से अगर कोई 10 या 15 फीमेल लेडीज़ का अगर घर चल रहा है या इफ़ दे गेट जॉब, तो उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा फीमेल्स को, तो वो मेरे को रिएक्शन अच्छा लगा। मुझे वो इस बात की खुशी नहीं हुई कि मैं फर्स्ट हूँ, बट अगर मेरे को देख के और लोग मोटिवेट हो रहे हैं तो वो मेरे को अच्छा लगा। आपके पहले कोई आया था, उनको अप्रोच हुआ था लेडी? हाँ, मेरे को इन्होंने बोला कि एक कोई लेडी आई थी, बट 4 दिन उन्होंने चलाया और उन्होंने गिव अप कर दिया, उनसे नहीं हुआ तो वो गिव अप हो गया। इसके लिए उनके बाद जब मैं ज्वाइन हुई तो मैं फर्स्ट हूँ जो आई कैन ड्राइव ऑन माई ओन, मतलब पूरा ट्रेनिंग कम्प्लीट किया और मैं खुद से चला। 30 दिन का ट्रेनिंग कैसे शुरू हुआ और कैसा था ये सफ़र 30 दिन का? तो फर्स्ट डे मेरा जो ट्रेनिंग था वो डेपो के अंदर ही था, इसके जस्ट बाजू में एक बहुत बड़ा डेपो है, वहाँ पे अंदर ही मेरे को राउंड मराया 10-15 राउंड, तो उन लोगों को खाली देखने का था कि मैं चला पा रही हूँ कि नहीं। फिर सेकेंड डे मेरा डायरेक्ट मेरे को लेके गए ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, देन थर्ड डे अगेन ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, फोर्थ डे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, SV रोड, लिंक रोड, धीरे 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 मतलब लेन्स छोटे होते गए, हाईवे टू स्मॉल लेन्स और सब जगह सब। घर पे बोला कि मैं अभी बस चलाने वाली हूँ BST का, तब क्या रिएक्शन था फ्रेंड सर्कल का घर पे? उनको कोई रिएक्शन नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं रेस करती थी, आई रेस अगेंस्ट मेन, मतलब लड़के लोग के साथ रेस करती थी, ड्रैग रेसिंग है, बाइक रेसिंग है, कार रेसिंग है, तो उन लोग के लिए कुछ नया नहीं था, मतलब उन लोगों को पता है कि ये इसी लाइन में बहुत कुछ कर चुकी है पहले, मतलब मैं 3 साल से कर रही हूँ रेसिंग एंड ऑल, तो इतना कुछ वाव रिएक्शन नहीं था, बट याद है वो हैप्पी कि चलो हमारी फ्रेंड ने या हमारी बेटी ने ये भी चला लिया। तो फिर एक्चुअली मतलब ये जो आपको ये आपका ये सफर ही है, मतलब ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपका ये है कि आप एक तरफ जा रहे हो, RT ऑफिसर आपको बनना है, बट ये ऐसा क्यों सोचा कि RT ऑफिसर ही बनना है? मैं बचपन से मेरे नाना जी को देखती थी, ही इज एन एक्स रिटायर्ड ACP, तो मैं उनको देख के बहुत मोटिवेट होती थी कि नहीं मुझे भी ऑफिसर ही बनना है बड़े होके, मतलब उनको जिस तरह से देखती थी, उनको जो रिस्पेक्ट मिलता था व्हेन ही यूज्ड टू वर्क पुलिस स्टेशन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो वहाँ से मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि नहीं मेरे को भी बड़े होके ऑफिसर ही बनना है। तो ये सफ़र एक्चुअली जो चालू हुआ, मतलब 2-व्हीलर से आपने स्टार्ट किया, वो एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी आप यहाँ पे हो, बट वो सफ़र कैसा था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से एज से स्टार्ट हुआ? तो मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, आई वॉज 14, तो वहाँ जब मैं गांव में थी तभी मेरे मामा ने बस मेरे को पीछे बिठा के घुमा रहे थे, तो अचानक से बोला कि चलाएगी, मैंने बोला क्यों नहीं, तो मैंने गेयरलेस से पहले गेयर बाइक चलाया, मतलब लोग पहले गेयरलेस चलाते फिर मैंने उल्टा किया, मतलब मैंने पहले गेयर बाइक सीखा 2008 में जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, और फिर बाद में मैंने गेयरलेस सीखा, फिर उसके बाद कार से बड़े कार SUVs ऑफ रोडिंग करती थी, रेसिंग करती थी, और फिर बाद में कौन से रेस किया अभी? मैंने 2016 में मैं इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल रेसिंग टीम में भी थी, सो 2016 में TVS रेसिंग करके है जो चेन्नई में हुआ था सर्किट रेसिंग 16, एंड देन 17 में भी TVS रेसिंग 17 में और 16 में मैंने कार ड्रैग एंड बाइक ड्रैग 17 में, और मेरे को फास्टेस्ट फीमेल ऑफ द इवेंट का ट्रॉफी भी आया 2017 ड्रैग रेसेस एम्बीवैली ड्रैग रेस। एक्चुअली आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और इस सारे सफर में उनका कैसा साथ था आपके साथ? फैमिली में से किसी को इतना शौक नहीं है जितना मुझे है, मतलब कोई ऐसा एज सच प्रोफेशनल राइडर या कोई नहीं है, मैं ही फर्स्ट हूँ जो ये कर रही हूँ, और मेरे घर में मेरी मम्मी या बहन उन दोनों को एक्टिवा भी चलाने नहीं आता, मतलब मैं ही हूँ जो गाड़ी चलाऊंगी, बाइक चलाऊंगी, स्कूटी चलाऊंगी, मैं ही हूँ सब कुछ करती हूँ। एक तो हमारे बैकग्राउंड जो होता है, मतलब फैमिली या फिर फ्रेंड्स, उसके साथ हम ग्रो करते हैं, मतलब उनका जो इंटरेस्ट होता है या फिर हमारा जो इंटरेस्ट होता है वैसे हम हमारे फ्रेंड बनाते हैं, या फिर फ्रेंड का जो इंटरेस्ट है वैसे हम बन जाते हैं। तो एग्जैक्टली आपको क्या लगता है ये कहाँ से आया, मतलब इतना आपको? तो मैं जब डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रही थी 3-4 साल पहले, तो मैं डिप्लोमा में थी, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, मैं खाली अकेली लड़की थी पूरे स्ट्रीम में, क्लास में भी नहीं पूरे स्ट्रीम में, हाँ, तो कितने 450 लड़के लोग के बीच में मैं सिर्फ अकेली लड़की थी, तो मेरा एक फ्रेंड था निशांत करके, तो निशांत नायक, तो ही टोल्ड मी कि चलो रेस करने जाते हैं, मैंने बोला रेस इंडिया में रेस भी होता है, मुझे नहीं पता था 2016 तक बिल्कुल नहीं पता था, तो बोलते हैं हाँ रेस होता है, मैंने बोला बट मैं लड़की हूँ मैं कैसे रेस कर सकती हूँ,
तो निशान बोला, नहीं तो क्या हो गया, तू हमारे साथ जब बैठ के पढ़ सकती है तो तू हमारे साथ रेस क्यों नहीं कर सकती है। तो वो जो है मेरा फ्रेंड, उसके वजह से मैंने एक्चुअली रेसिंग स्टार्ट किया एंड एक्चुअली प्रोफेशनल राइडिंग एंड ऑल स्टार्ट किया। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है मेरे रेसिंग और हाँ। ठीक है, तो एक्चुअली अभी आपने चलाया है, मतलब आप फर्स्ट लेडी हो जिन्होंने पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। अभी नेक्स्ट किसी को अगर आना है तो फिर आप उनको क्या सलाह देंगे, मतलब एज अ मेंटली क्या प्रिपेयर होना चाहिए अगर एक लेडी को बस चलानी है तो? तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मुझे मालूम था कि जो बस का जो गियर चेंज और जो क्लच और जो स्टीयरिंग रहता है वो बहुत हार्ड रहता है कंपैरेटिवली एक कार से। तो मैंने एक 15-20 डेज पहले जिम ट्रेनिंग चालू कर दिया था, वेट ट्रेनिंग, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अगर आपको भी अगर आगे जाके कुछ मतलब बस चलाना हो तो मेक श्योर कि आप मतलब आपका जो मसल्स है वो अच्छी तरह से ट्रेन करके आए, आप जिम करें या कुछ भी एक्सरसाइज करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना। अभी आप आगे का प्रिपरेशन क्या करने वाले हो, अभी आगे का डेस्टिनेशन तक का आपका जर्नी कैसा होगा, मतलब क्या है अभी? अभी मैंने बस और ट्रक तो चला लिया है, अभी मुझे एक्चुअली हवाई जहाज चलाना है, प्लेन भी सीखना है भाई, अभी रोड हो गया तो अभी प्लेन। अभी ये लाइसेंस तो आ गया, तो अभी आरटीओ ऑफिसर ये लक्ष्य है। हाँ। तो इस अभी ये जर्नी कैसा रहेगा, आगे आप क्या क्या करने वाले हो? अभी तो मतलब मुझे ऑफिसर बनने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है, क्योंकि बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और हाँ, अभी मेरा वही है कॉन्सेंट्रेशन, मेरा अभी बस वही है ऑफिसर बनने में ही है। तर या होते आप प्रतीक्षा दास, पहिला जानी ट्रेनिंग कंप्लीट केले, म्हणजे हे खडतर ट्रेनिंग आहे, आपण बस चालवतानाचा अनुभव, मुंबईतले रस्ते, या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर धडकी भरते एवढ्या, म्हणजे त्यात म्हणजे प्रतीक्षाने हे ट्रेनिंग करणारी, ती ट्रेनिंग पूर्ण करणारी पहिली महिला आहे, ती आपल्याला बेस्टवरती तर दिसणार नाही आहे, बेस्ट बसवर दिसणार नाही आहे, त्या चर्चेला तिनेच पूर्णविराम दिला आहे, पण एकंदरीत तिचा प्रवास आहे, आरटीओ ऑफिसर तिला व्हायचं, त्यासाठी आपण तिला शुभेच्छा दिल्या आहेत। आपण इथेच थांबतोय। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिकेत शिंदेसह कुणाल गवाणकर, लोकमत.com मुंबई।